5 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए बहुचर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मृतक सागर के परिवार ने आरोपी पहलवान सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि पहलवान सुशील कुमार जेल में बैठे बैठे अपने करीबियों और सहयोगियों पुलिसकर्मियों के द्वारा धमकी दिलवा रहा है और जबरन समझौते का दबाव बना रहा है। सागर के पिता ने बताया है कि पहलवान सुशील कुमार के सहयोगी पुलिसकर्मी शराब ठेकेदार अमित समेत कई बदमाशों के साथ उनके घर पर आए थे और बार बार समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है और साथ ही ये भी कहा है कि परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन परिवार के साथ मुख्य गवाह को भी सुरक्षा दे। मामला ये है कि 12 तारीख को मैं दिल्ली गया हुआ था अपने हेल्थ चेकअप के लिए, तो पीछे से मेरे घर पर अमित ठेकेदार है, वो 8-7 पुलिस वाले और 8-7 अननोन पर्सन को लेकर मेरे घर पर आया। अब भाई इससे राजीनामा कर लो, इस केस को वापस उठा लो, तो ना तो ठीक नहीं होगा, ना तेरे गवाह को भी और तेरे को भी कहीं फंसा देंगे। तो उसमें यहाँ से जाने के बाद रात को 9 बजे सोनू माल है जो इस केस में गवाह है, जिसने ठोक कर गवाही दे रखी है, तो उसकी क्रॉसिंग बाकी रह रही है, तो उससे पहले इसको अंदर करके और इस पर दबाव डलवा के इसको इस गवाही से मुकरवाने का प्लान चल रहा है। कौन करवा रहा है इस पूरे मामले को? तो वही सुशील करवा रहा है जी। सुशील है, तगड़ी पार्टी है, तो कहीं से प्रेशर डलवा दिया होगा। तो ना तो मेरे घर पे आने का क्या मतलब था, उन्होंने अरेस्ट करना था कहीं और से करते, भाई रोड पर खड़े हो जाते। पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, क्या बोले फिर वो? तो पुलिस कमिश्नर तो कोर्स पर गए हुए थे, DCP साहब से मिला था मैंने। DCP साहब से मैंने यही कहा था, सर इसकी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए, अगर ये मेरे घर पर किस लिए गए थे। फिर क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने CTSHO के पास भेज दिया हमारे को, वो बोले CCTV की फुटेज निकलवाओ, मेरे घर पर तो CCTV फुटेज है नहीं, तो चौक से मन कुछ निकलवा कर दी भी। उस माते जाते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, गाड़ी रुकती दिखाई दे रही है चौक पर, पुलिस वाले उतरते नजर आ रहे हैं आदमी। अब क्या लगता है पूरे मामले में आपको? तो मेरे को यही लग रहा है जी, ये गवाह है और 2-3 गवाहियाँ और रह रही है मैन, तो इसमें ये था अगर जो सोनू माल वो मेरे घर से अरेस्ट करवा देते तो सारे गवाह को ये हो जाता, भैया तो अशोक ने राजीनामा कर लिया है इनसे और ये हमारी तो हम क्यों दुश्मनी मोल लिया, तो वो भी मुकर जाते। तो इसको सोनू को जेल में भेज के कहीं अंदर से बदमाशों का दबाव डलवा कर तो इसको भी तोड़ने की कोशिश में ये कार्रवाई चल रही है। आप क्या चाहते हो पूरे मामले में? मैं यही है जी, इसकी निष्पक्ष जांच हो, मेरे घर पर किस लिए आए 5:30-5 बजे के करीब। अब क्या पुलिस भी गवाही हो चुकी है सुशील वाले? सोनू ने गवाही दे दी है सुशील के खिलाफ ठोक के, इसकी क्रॉसिंग बाकी रह रही है, तो उसको कैंसिल करवाने के लिए, क्रॉसिंग में इससे गलत बयान दिलवाने के लिए, जय भगवान नाम है इसका, वैसे सोनू माल कह दे, तो इसको अंदर करके। ये अमित कौन है? अमित रोलद का ठेकेदार है, शराब का ठेकेदार है, तो इसने सोनू ने इससे ठेके ले रखे हैं, तो इनका कुछ लेन देन था तो वो बैठ कर निपटाओ, तो मेरे घर पर आने का क्या मतलब था, मेरे घर पर किस लिए आए। मृतक सागर के परिवार का कहना है कि उनके घर पर कोई CCTV कैमरे की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने चौक पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज निकाली है जिसमें शराब ठेकेदार पुलिसकर्मियों और बदमाशों के साथ उनके घर पर जाता दिख रहा है। मृतक के पिता पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने के बाद अब निष्पक्ष जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है। एक एप्लीकेशन गृह मंत्रालय को भेज रहा हूं सर, इसके तो कॉल आओगे बुलाओगे तो जाऊंगा, इसके वहां भी बात बताऊंगा कि ये कहानी है। मैं इसके कई हर तारीख से पहले कुछ न कुछ ड्रामा करते हैं, पिछली तारीख थी 21/4 थी तो 16/4 को मेरे गांव में पंचायत करी थी, कई खापों भी चाहता है गवाह के मन में संशय पैदा करना चाहता है, क्योंकि ये प्रोपगंडा चलाते हैं कि हमारी बातचीत होगी है अशोक से, हैं सागर के घर वालों से हमारी बातचीत होगी है, राजीनामा हो गया है, तो गवाही गलतफहमी में गवाही तोड़ दें।
फिर आपने क्या कहा उनको? तो मैंने ये समझाया भाई ये तो वैसे घूम रहे हैं पंचायत में, मैं गया नहीं, मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई, तो ये प्रोपगेंडा बना रहे हैं, तो अखबार में निकलवा देते हैं भाई, बकेते गांव में पंचायत कर लिया हमने, उसके परिवार से मिल लिए सागर के, और उनसे बातचीत हो गई, तो ये झूठी साची प्रोपगेंडा रच के, तो इस गवर्नमेंट प्रशासन थोड़ा है इस पर गौर करे, अगर केस झूठे हैं सच्चे हैं सोनू के खिलाफ, इनकी जांच करवाई जाए, और हमारे को भी मेरे घर पे मैं कई बार अप्लीकेशन दे चुका हूँ, पीछे सतपाल पहलवान भी कई आदमियों को ले रहा था, उसकी भी मैंने अप्लीकेशन दी थी, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बस थाने में बुलाते हैं अप्लीकेशन लिखवाते हैं साइन करके जा भाई है? तो कोई आ जाए तो फोन कर दियो, बस ये जवाब मिलता है। पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। यही है जी, सुशील के खिलाफ एविडेंस बहुत हैं और गवाह भी पुख्ता हैं, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि उसको सख्त से सजा मिले, तो ये उसको सजा से बचने के लिए कहीं कहीं से प्रेशर डलवा रहे हैं मेरे पर, मेरे परिवार पर, रिश्तेदारों पर, तो बार बार कहीं रिश्तेदारों के पास भेज रहे हैं, कहीं मेरे परिवार के पास भेज रहे हैं। सागर हत्याकांड के मुख्य गवाह सोनू हैं और आरोप है कि पहलवान सुशील कुमार सोनू की गवाही को तोड़ना चाहता है, जिसके लिए सुशील कुमार ने शराब ठेकेदार अमित को पुलिसकर्मियों के साथ मृतक सागर के घर भेजा था, ताकि सोनू की गिरफ्तारी होने के बाद जेल में उस पर गवाही न देने का दबाव बनाया जाए, ताकि पूरा केस ही कमजोर हो जाए। बहरहाल मुख्य गवाह सोनू सिर्फ आखिरी गवाही होनी बाकी है, और परिवार का कहना है कि सुशील कुमार के खिलाफ सारे पुख्ता सबूत हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुशील कुमार को सख्त सजा मिले। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी।